तुर्की एक ऐसा देश है जिसका आधा भाग एशिया और आधा भाग यूरोप महाद्वीप में मौजूद है। इसी वजह से तुर्की को दोनों महाद्वीपों के बीच का पुल भी कहा जाता है। तुर्की को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं तुर्की के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तुर्की देश का कुल क्षेत्र पर 296,185 वर्ग मील है, जिनमें से 9,680 वर्ग मील क्षेत्र पर यूरोप में और बाकी का क्षेत्र पर एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ की राष्ट्रभाषा तुर्की है। तुर्की देश की सीमाएं रशिया, ईरान, इराक, सीरिया, भूमध्य सागर, ग्रीस, बुल्गारिया तथा काला सागर तक फैली हुई है। सांता क्लॉज का जन्म भी तुर्की के पटारा शहर में 3री सदी में हुआ था। तुर्की की जनसंख्या करीब 8 करोड़ है। इनमें से करीब 99% जनसंख्या मुस्लिम है और बाकी की ईसाई है। तुर्की का शहर इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जहां की आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तुर्की के ज्यादातर लोग देश प्रेमी है। इसी वजह से तुर्की का चाहे जितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, पर वहां के लोग अपने देश के बारे में कभी भी गलत बात नहीं करते हैं। तुर्की को सभी मुस्लिम देशों में से मॉडर्न माना जाता है और यहाँ की ज्यादातर महिलाएं बाकी मुस्लिम देशों की महिलाओं की तरह अपने चेहरे को नहीं ढकती है। तुर्की की महिलाओं की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में की जाती है और यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे ही दिखते हैं। तुर्की दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जहां पर महिलाओं को हर तरह की आजादी दी जाती है। तुर्की में हर साल लगभग 150 से भी ज्यादा खुदाई पुरातात्विक खोजों के लिए की जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अखरोट का उत्पादन तुर्की में ही होता है। पूरे यूरोप में कॉफी का प्रचलन तुर्की ने ही शुरू किया था। तुर्की ईसा पूर्व 4000 से शराब का उत्पादन कर रहा है। तुर्की की जीडीपी दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद सेंट्रल मार्केट पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया में तुर्की 6ठा सबसे बड़ा पर्यटक देश है। पूरी दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से 2 अजूबे तुर्की में ही है। बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। तुर्की में शेर के लिए असलान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नानिया नामक कॉमिक्स में दर्शाया गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।